हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल वुमेन्स स्टाइल अप। आज की वीडियो में मैं आपके साथ चार बहुत ही आसान से हेयर स्टाइल शेयर करने वाली हूँ, जिसे आप इजीली से खुद से ही बना सकती हैं वेडिंग में, या फिर आप आने वाले फेस्टिव सीजन में ट्राई ऑन कर सकती हैं। साड़ी के साथ ये काफ़ी अच्छी लगती है। सो देखिए, सबसे पहले हमें मांग निकालनी है, तो यहाँ पर मैं साइड मांग निकाल रही हूँ, आप चाहे तो मिडिल मांग भी निकाल सकती हैं। अब जो क्राउन एरिया वाला हिस्सा है ना, वहाँ से देखिए मैं सामने वाले पार्ट को इस तरीके से ईयर तक यहाँ पर देखिए डिवाइड कर ली हूँ। तो ये जो सामने का पार्ट हमने ईयर तक डिवाइड किया है क्राउन एरिया से, इस वाले हेयर को मैं यहाँ पर टिकटॉक वाली हेयर पिन से सिक्योर कर रही हूँ, क्योंकि ये बैक साइड के हेयर में जाकर मिक्स हो जाएगी तो प्रॉब्लम आएगी। सेम प्रोसेस देखिए, ऐसे ही मैं दूसरी साइड भी करूँगी अपने, देखिए यहाँ पर लेफ्ट साइड भी मैं ऐसे ही कर रही हूँ। तो इस तरीके से देखिए, यहाँ पर मैंने ईयर टू ईयर पार्टीशन कर लिया है क्राउन एरिया से, और यहाँ पर जो बैक साइड का हेयर है इसे हम बैक में कॉम करेंगे। एंड देखिएगा, यहाँ पर बैक में अच्छे से कॉम करने के बाद देखिए, थोड़ा सा क्राउन एरिया से थोड़ा सा साइड में लेते हुए इस तरीके से हेयर को अलग करेंगे हम। ये जो हम हेयर अलग करें, इनकी हमें पफ बनानी है, तो बहुत ही बड़ी सी लेयर आपको नहीं लेनी है, पत्ती सी लेयर यहाँ पर निकाल लेनी है दोनों तरफ से। एंड यहाँ पर देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ इतने हेयर को डिवाइड कर लिया है। अब हम इसे अच्छे से कॉम करेंगे। कॉम इसलिए करते हैं ताकि हमारा जो पफ एकदम नीट क्लीन बने, टेंगल फ्री आपको अपने हेयर को कर लेना है। इसके बाद से देखिए, इस तरीके का मैं एक वो ले रही हूँ, पफ ले रही हूँ। ये पफ आपको ऑनलाइन ऑफलाइन मिल जाएगी। तो यहाँ पर अपने क्राउन एरिया पे मैं इसे सेट कर रही हूँ। अब देखिए, हेयर के नीचे मैंने किस तरीके से सेट किया हुआ है। अब यहाँ पर हमें बॉबी हेयर पिन से सिक्योर करना है। इस तरीके से दोनों साइड से हम सिक्योर कर लेंगे। अच्छे से आपको हेयर को यहाँ पर सिक्योर कर लेना है। आप देख रही हैं कितना अच्छा हमारा पफ बन के आ चुका है। बैक कॉम्बिंग करके जो पफ बनाई जाती है, उसमें हमारे हेयर बहुत ज़्यादा टूट जाते हैं, इसलिए आप इस तरह के पफ का यूज़ कर सकती हैं। एंड ये जो सामने के हेयर है ना, मैं इसे देखिए खोल रही हूँ। अब देखिएगा, जो बैक साइड का हेयर है उसे हम सेपरेट कर लेंगे। एक क्लचर की हेल्प से मैं यहाँ पर देखिए सिक्योर कर रही हूँ, ताकि वो आगे वाले हेयर से मिक्स ना हो जाए। और ये जो आगे वाले हेयर है ना, इन्हें हम अच्छे से कॉम करेंगे। एंड यहाँ पर हम देखिएगा इस तरीके से इसकी यहाँ पर पतली पतली सी हेयर की मांग निकालेंगे। देख रही हैं आप, फिंगर की हेल्प से थोड़ा सा मैंने पतला सा हेयर का सेक्शन लिया, इसे ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करने के बाद थोड़ा सा मैं सामने की तरफ पुल कर दी हूँ, ताकि वो थोड़ी फुली फ्लफी सा उसका लुक आए। एंड फिर से मैं सेकेंड लेयर ली हूँ पतली सी, आप देख रही हैं हेयर की। एंड इस तरीके से एक दूसरे के साथ ट्विस्ट करना है। जब मैं यहाँ पर पतली सी हेयर के सेक्शन लेती हूँ, तो देखिए जो मेरी ट्विस्ट करके सामने हेयर आई है उसके साथ मिक्स करके फिर ट्विस्ट करके बैक में करना है, और जो बैक का हेयर है वो सामने आ जाता है। तो फिर हम पतला सा हेयर का सेक्शन लेंगे एंड उसके साथ इस तरीके से मिक्स करते हुए ट्विस्ट करना है। तो काफ़ी इजी प्रोसेस आप देख रही हैं, बहुत ही ईजी से ये वाला हेयर स्टाइल बन जाता है। आपको किसी की भी हेल्प की ज़रूरत नहीं है, आप खुद से ये हेयर स्टाइल बना सकती हैं। तो आप यहाँ पर जितनी पतली पतली हेयर की सेक्शन लेंगे ना, आपका सामने से लुक उतना अच्छा आता है। इस तरह से बन जाने के बाद यहाँ पर देखिए, जो पतली पतली हेयर की सेक्शन है, इन्हें पकड़ के सामने की तरफ आपको पुल करना है। आप इस तरीके से जब खींच देंगे तो थोड़ी सी ये फ्लफी टाइप की दिखेगी, पफ जैसा। एंड इसके बाद बाकी हेयर को पीछे के साइड ले जाकर, जहाँ हमने पहले अपने पफ को सिक्योर किया था ना, वहीं पर बॉबी हेयर पिन की हेल्प से फिर से हम सिक्योर करेंगे। आप देख रही हैं, इस तरीके से सिक्योर करने से साइड से जो हमारे जो हेयर स्टाइल है वो भी काफ़ी अच्छा बनता है। अब सेम प्रोसेस जैसा मैंने राइट साइड किया, ऐसा ही मैं लेफ्ट साइड करूँगी। पहले मैंने पतला सा हेयर का सेक्शन लिया है इस तरीके से, एंड इसको देखिएगा इस तरीके से ट्विस्ट करना है 2 से 3 बार। एंड फिर से इसके नीचे से एक पतला सा हेयर का सेक्शन लेना है। जब आप इस तरीके से लेंगे, तो देखिए अभी इन दोनों को एक दूसरे के साथ इस तरीके से ट्विस्ट करना है। अब फिर से पतला सा हेयर का सेक्शन लेना है, और जो ट्विस्ट करके हेयर सामने आए उसके साथ मिलाते हुए ट्विस्ट करना है। फिर नीचे से पतला सा हेयर का सेक्शन लेना है और ट्विस्ट करना है, फिर मिलाना है। तो ये काफ़ी ईजी प्रोसेस है, आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। सो इस तरीके से हम थोड़ा थोड़ा फिर से पुल कर लेंगे सामने की तरफ अपने हेयर को, ताकि ये थोड़ा सा मैशी मैशी सा दिखेगा तो काफ़ी अच्छा लुक आता है। सो यहाँ पर देखिए, हम ट्विस्ट करेंगे बाकी हेयर को। आप देख रहे हैं कितना अच्छा बन चुका है। और बैक में ले जाकर ये जो मेरा हेयर है, इसे मैं फिर से सिक्योर करूँगी बॉबी हेयर पिन की हेल्प से। आप टिकटॉक वाली भी हेयर पिन का यूज़ कर सकती हैं। सो इस तरीके से देखिए, सिक्योर हो जाने के बाद हमारा जो लुक है, ये जो सामने वाला है वो कम्प्लीट हो गया है। बैक के क्लचर को मैंने निकाल दिया है। अगर आप ओपन हेयर रखना चाहें तो इस तरीके से रख सकती हैं। यहाँ पर देखिए, मैं एक हेयर एक्सेसरीज ले रही हूँ, इसे आपको यहाँ पर लगाना है तो इस तरीके से लगा सकती हैं, लुक और भी ज़्यादा इन्हेंस हो जाता है। सो इसे लगाने के लिए देखिए, यहाँ पर होल बनी होती है, इस होल में मैं बॉबी हेयर पिन को इंसर्ट की हूँ, और यहाँ साइड से लेते हुए अपने हेयर के साथ यहाँ पर फिक्स कर ली हूँ। दूसरी तरफ भी ऐसे आपको सेट करना है,
आप देख रही हैं। इस तरह से सेट करते हुए फिर से मैं एक बॉबी हेयर पिन लूँगी और दूसरे साइड भी इसे सिक्योर कर ली हूँ। सो यहाँ पर हमारा जो फर्स्ट हेयर स्टाइल है कंप्लीट हो गया है, जिसमें केवल हमने फ्रंट में अपने हेयर को स्टाइल किया है। बैक साइड के बाल को आप चाहे तो इस तरीके से ओपन रख सकती हैं, बट काफ़ी सारे लोगों को ओपन नहीं पसंद है। तो यहाँ पर मैं अगला स्टाइल आपको दिखाने वाली हूँ। देखिए, आपको बैक साइड के सभी बालों को इकट्ठा करना है। इन्हें अच्छे से इकट्ठा करके आपको कॉम करना है, क्योंकि हम इन बालों का जूड़ा बनाएंगे। तो जूड़ा बनाने से पहले आपको हेयर को अच्छे से कॉम करके टैंगल फ्री कर लेना है, ताकि आपका जूड़ा बिल्कुल भी मैशी ना बने। अब देखिए, ये बिल्कुल सिंपल जूड़ा है। आई थिंक आप में से काफ़ी सारे लोगों को आता भी होगा। आप देख रही हैं किस तरीके से मैं राउंड करते हुए फिंगर के अगल बगल इसे पूरा इस तरीके से लपेटा लगाऊंगी। ये बिल्कुल नॉर्मली सिंपल जूड़ा होता है, जो हम रेगुलर अपने घर में बनाते हैं। तो आप इस तरीके से बनाइएगा, देखिए इजली से ये जूड़ा बन गया। क्योंकि काफ़ी सारे लोग के पास पफ नहीं होते हैं, तो इस तरीके से सिंपल जूड़ा बना के, और यहाँ पर देखिए बैक जो हेयर पिन होती है ना, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ, ताकि ये जूड़ा बिल्कुल भी आपका टच से मस ना हो। अगर आप इसे ऐसे छोड़ देंगी तो ये निकल सकता है, बट इस तरीके से आप कितना भी घूमेंगी ये जूड़ा नहीं निकलने वाला है। जूड़ा बन जाने के बाद इसे आप गजरे से डेकोरेट कर दीजिए, क्योंकि करवा चौथ में इस तरह का लुक काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है। तो आप इस तरह से सिंपली, आपके पास पफ ना हो तो ये जूड़ा बना सकती हैं। आप देख रही हैं लुक बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आता है। सो यहाँ पर आप देख सकती हैं, गजरा लगाने के बाद मैंने थोड़ी सी ज्वेलरी के साथ इस लुक को कम्प्लीट किया और काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। अब नेक्स्ट स्टाइल के लिए देखिए हम क्या करेंगे। थोड़ा सा ऊपर मैं यहाँ पर, जो लोग थोड़ा हाई पफ बनाना जिनको अच्छा लगता है, हाई जूड़ा मैं यहाँ पर बना रही हूँ, इसलिए मैंने पोनी जो बना रही हूँ यहाँ पर मैं हेयर को इकट्ठा करके, वो थोड़ी सी ऊपर रखी है। अगर आपको थोड़ा सा नीचे जूड़ा बनाना है तो आप थोड़ा सा नीचे अपने पोनी को बना लीजिएगा। इसके बाद इस तरीके का एक डोनट लेना है आपको, इसे फैलाना है रबड़ बैंड की तरफ। बिल्कुल आपको इजिली से हेयर के अंदर देखिए इस तरीके से इंसर्ट करना है। इसके अंदर से हेयर को मैं किस तरीके से निकाल कर लेकर आई हूँ। अब ये डोनट हमारा अंदर इंसर्ट हो जाने के बाद आपको इस तरीके से झुक जाना है सामने की तरफ, और इन हेयर को अपने पफ के ऊपर जो हमने डोनट लगा रखा है उसके ऊपर फैलाना है। आपको अच्छे से स्प्रेड करना है, ताकि ये डोनट पूरा अच्छे से हाइड हो जाए। अब देखिए ये काफ़ी अच्छे से हाइड हो गया है। यहाँ पर आप देख रही हैं मेरे हेयर बिल्कुल अच्छे से कॉम है, इसलिए ये काफ़ी नीट क्लीन बनने वाला है। अब यहाँ पर देखिए हम एक दूसरा रबड़ बैंड लेंगे, इस तरीके से ऊपर से इंसर्ट कर लेंगे। सो यहाँ पर आप देख रही हैं इंसर्ट हो जाने के बाद ये जो सामने की हेयर है इन्हें टू पार्ट में डिवाइड करना है इस तरीके से। अब ये टू पार्ट में डिवाइड हो जाने के बाद आपको बैक साइड से इन्हें देखिए लेफ्ट साइड के हेयर को मैं मूव कराऊंगी राइट साइड की तरफ, और राइट साइड के हेयर को मूव कराऊंगी लेफ्ट साइड की तरफ। तो पहले देखिए मैं एक साइड के हेयर को अच्छे से कॉम करते हुए इस तरीके से जूड़े के चारों तरफ, मैं बिल्कुल भी यहाँ पर लपेटा नहीं लगा रही, बस सिंपली इसे जूड़े के चारों तरफ फैला रही हूँ। मतलब मैंने जो एक्स्ट्रा हेयर है उनकी मैं लपेटा नहीं लगा रही हूँ, जूड़े के चारों तरफ लपेटा लगाया है मैंने। इसके बाद से यहाँ पर बॉबी हेयर पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे। अब सेम ऐसे ही दूसरे साइड के हेयर को भी अच्छे से हमें कॉम करना है। आप देख रही हैं आपको इस हेयर को बिल्कुल भी लपेटा नहीं लगाना है, अच्छे से इसे फैलाते हुए जूड़े के चारों तरफ कवर करना है। वन सर्कल इस तरीके से मैंने लिया, और आपका जितना लॉन्ग हेयर होगा उतना सर्कल आएगा। इस तरीके से चारों तरफ राउंड लेते हुए यहाँ पर लास्ट वाले हेयर को अंदर की तरफ इंसर्ट करते हुए एक आप बॉबी हेयर पिन से सिक्योर कर लीजिएगा। इसके बाद हम फिर से अपना गजरा लेंगे, क्योंकि गजरे के बिना हमारा जो ब्राइडल लुक है कभी भी कंप्लीट नहीं होता है। तो इस तरीके से गजरे को मैं यहाँ पर अटैच कर रही हूँ, एंड यहाँ पर देखिए गजरे लगने के बाद जो मेरा फाइनल लुक है कुछ इस तरीके से आ गया है। सो ये मैंने वेडिंग एंड करवा चौथ को ध्यान में रखते हुए इसे क्रिएट किया हुआ था। आई होप कि आपको पसंद आया हो। फाइनल लुक आप देख सकती हैं, बैक से और फ्रंट से काफ़ी अच्छा आता है। अगर आप चुन्नी रखती हैं तो भी लुक बहुत ही अच्छा आने वाला है इसका। सो यहाँ पर अब हम बनाने वाले अपना नेक्स्ट हेयर स्टाइल। तो पोनी को मैंने एज इट इज़ रहने दिया है। इसमें से बहुत ही थोड़े से आपको हेयर इस तरीके से निकाल लेने, आप देख रही हैं हल्का सा हेयर मैंने ऊपर की तरफ निकाल लिया है। इसे अच्छे से कॉम कर रही हूँ मैं, आप देख रही हैं बहुत ही थोड़ा सा हेयर आपको लेना है। अगर आपके हेयर ज़्यादा लॉन्ग नहीं होते हैं तो फिर आप थोड़े ज़्यादा ले लीजिएगा। मेरे हेयर लॉन्ग थे तो इसलिए मैं थोड़े से हेयर निकाली हूँ उसमें से, एंड इस तरीके से सामने की तरफ लाना है। और ये जो पफ है इस तरीके का आपको इजली से ऑनलाइन भी मिल जाएगा, ऑफलाइन भी। आपको हेयर को इस तरीके से इस पर स्प्रेड करते हुए अंदर की तरफ देखिए मैं फोल्ड कर रही हूँ। आपको फोल्डिंग ध्यान रखनी है कि आपके अंदर की तरफ फोल्डिंग होनी चाहिए हेयर की, नहीं तो ये जूड़ा ख़राब हो सकता है आपका। तो इस तरीके से आपको पूरे हेयर को इस पर अच्छे से स्प्रेड करते हुए बैक साइड में लेकर जाना है। एंड यहाँ पर देखिए ये हमारी बैक साइड में आ गई है। अब देखिए ये जो हेयर है हमारे पास, जो हमने थोड़े से एक्स्ट्रा छोड़ रखे थे ये वाले हेयर, इसको हटाना है और इसके चारों तरफ एक राउंड सर्कल लेना है इसका।
आप देख रही हैं कितना इजली से ये फोल्ड हो गया है। ये पफ होती है तो इजली से फोल्ड हो जाती है। अब यहाँ पर हम बॉबी हेयर पिन की हेल्प से सिक्योर करेंगे इस तरीके से। सो इस तरह से आपको अच्छे से यहाँ पर सिक्योर करना है। जितना आपको लगे बॉबी हेयर पिन लगाना चाहिए उतना आप लगा लीजिएगा। मेरा दो बॉबी हेयर पिन में अच्छे से ये सेट हो गया। अब देखिए ये एक राउंड सर्कल बन चुका है और इसके बीच में से हमारा हेयर एक्स्ट्रा सारा है तो काफ़ी खूबसूरत अभी से दिख रहा है। आप चाहे तो ऐसे भी छोड़ सकती हैं, बट यहाँ पर देखिए मैं इन दो जो मेरे पास हेयर अब बच गए हैं ना इनके मैं दो पार्ट डिवाइड कर रही हूँ। और दोनों पार्ट आपको ध्यान ये रखने कि बिल्कुल एक बराबर हो, ऐसा नहीं हो कोई कम या ज़्यादा हो तो फिर लुक अच्छा नहीं आएगा। इस तरीके से दो पार्ट में आपको डिवाइड करना है अपने हेयर को। अब यहाँ पर देखिए हेयर के एक पार्ट को मैंने आगे कर लिया है, एक पार्ट को बैक में पकड़ते हुए यहाँ पर रबर बैंड की हेल्प से पोनी बनानी है। आपको सिंपली बस एक पोनी बना लेनी है, थोड़ा सा ऊपर से आपको हल्का सा हेयर छोड़ के पोनी बनानी है। अभी मैं आपको दिखाऊंगी, देखिए ये जो मैं पोनी बनाई हूँ इस तरीके से बनने के बाद ऊपर से देखिए थोड़ा सा हेयर मेरा छूटा हुआ है तो वहीं से मैं पकड़ के देखिए रबर बैंड के पास से आपको दोनों तरफ हेयर को इस तरीके से पुल करना है। हल्का हल्का सा आप लूज़ करेंगी तो इसका लुक काफ़ी अच्छा आएगा। अब देखिए ये जो सामने की तरफ हमने एक्स्ट्रा हेयर छोड़ रखा था हाफ वाला, इसके भी अब टू पार्ट हमें डिवाइड करने हैं। जब भी आप टू पार्ट डिवाइड करें आपको ध्यान ये रखना है हेयर आपके इक्वल डिवाइड हो, नहीं तो आपका जो चोटी है ना वो अच्छी नहीं आएगी। अब देखिए इसको आपको इसके अंदर से इस तरीके से लेना है और ऊपर लाते हुए यहाँ पर देखिएगा आपको उससे थोड़ा सा हेयर को ऊपर से छोड़ते हुए जैसे मैंने फर्स्ट पोनी बनाई ना बिल्कुल वैसे ही मैं यहाँ पर फिर से पोनी बनाऊँगी। देखिए पतले वाले रबर बैंड का यूज़ करेंगी तो ज़्यादा विजिबल भी नहीं होगा, अगर ज़्यादा विजिबल होता है तो आप हेयर एक्सेसरीज से उसे हाइड भी कर सकती हैं। अब देखिए मैंने फिर से पोनी बनाई ना तो दोनों तरफ से मैं हेयर को इस तरीके से पकड़ के खींच रही हूँ, आप देख रही हैं। तो इस तरह से जब आप खींचेंगी आपके हेयर पतले होंगे ना तो भी ये आपकी जो चोटी है काफ़ी मोटी सी नज़र आती है। अब देखिए ये इसके नीचे जो हेयर है मेरा उसके भी मैं टू पार्ट डिवाइड करूँगी। बस आपको प्रोसेस आप सेम रिपीट करनी है, आप देख रही हैं ये देखिए। अब मैं आपको सामने से इसे बना के दिखाती हूँ, देखिए आप इजली से खुद से भी बना सकती हैं। फिर से हम रबर बैंड लेंगे और यहाँ पर देखिए थोड़ा सा मैंने देखिए ऊपर से हेयर को छोड़ते हुए यहाँ पर मैं रबर बैंड को लगा रही हूँ। तो ऐसे स्टार्टिंग से मैंने सेम प्रोसेस को कंटिन्यू किया है। बस आप थोड़ा सा अच्छे से इसे पुल करेंगी जो मैं खींच रही हूँ हेयर को दोनों तरफ से, तो आपकी जितना आप अच्छे से खींचेंगी ना ज़्यादा उतना ज़्यादा आपका मोटा यहाँ पे हेयर का जो चोटी है वो नज़र आएगी। आप देख रही हैं यहाँ पर देखिए मैं खींचूँगी थोड़ा सा मैं लेफ़्ट फिर राइट दोनों तरफ आपको हेयर को इस तरीके से खींचना है। फिर से आप जितना आपका हेयर लॉन्ग हो उतना लॉन्ग आपकी चोटी बन जाएगी यहाँ पर। तो ये देखिए मेरा अभी एक और बनने वाला है। सो इस तरीके से थोड़ा सा ऊपर से हेयर छोड़ते हुए मैं फिर से रबर बैंड लगा रही हूँ। अगर आपकी हेयर बहुत ज़्यादा पतली है तो आप इस तरह का चोटी ज़रूर ट्राई करें, काफ़ी ज़्यादा थिक लगता है, आपकी चोटी भी अच्छी नज़र आती है। तो यहाँ पर देखिए इस तरीके से मैं यहाँ पर पुल करके अपने हेयर को ठीक कर रही हूँ। और बस यहाँ पर देखिए शायद एक और बनने वाला है, नहीं हाँ भी एक और बन गया मेरा। तो मैंने थोड़ा सा पार्ट कट कर दिया है, हेयर काफ़ी ज़्यादा लॉन्ग थे तो मेरे ज़्यादा ही बने हैं। अब लास्ट में हम सभी हेयर को इकट्ठा करते हुए एक रबर बैंड लगा लेंगे। इसके बाद से जो हमारी चोटी है वो कंप्लीट हो जाती है। बस आपको इसे थोड़ा सा डेकोरेट करना है जैसे मैंने कर लिया है और आप मेरा फाइनल लुक देख सकती हैं। सो ये थे कुछ आसान से हेयर स्टाइल जिन्हें आप खुद ही बना सकती हैं। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप स्माइलिंग, टेक केयर, बाय।